अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैरियर 360। कैरियर 360 की प्रोफेशनल ट्रेनिंग एसेट्स मैनेजमेंट की एपिसोड नंबर 2, जो कि पार्ट नंबर 2 भी है। एक कम्प्रीहेंसिव प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स है। इसको समझने के लिए आपको एपिसोड नंबर 1 जो है वो अगर वीडियो आप देख लेंगे तो आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी रिगार्डिंग एसेट्स मैनेजमेंट। दिस ट्रेनिंग विल कवर द फंडामेंटल ऑफ एसेट्स मैनेजमेंट। इसमें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, कोर कॉन्सेप्ट ऑफ एसेट्स मैनेजमेंट के हवाले से, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। हर वो चीज़ एसेट्स होती है जो आप के बिजनेस को सपोर्ट करती है, रेवेन्यू में इजाफा करती है, आपको कुछ ना कुछ अर्न करके दे जिसकी वजह से आपकी अर्निंग में इजाफा हो, प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा हो, वो तमाम चीज़ें आपकी एसेट्स कहलाती हैं। एसेट्स का एक लाइफ साइकिल होता है, किसी भी एसेट्स का जो है इसी लाइफ साइकिल से गुजरता है। इसमें आपकी एक्विजिशन है, प्लानिंग और एक्विजिशन से प्लानिंग एक्विजिशन आपका ऑपरेशन है, मेंटेनेंस है, फिर डिस्पोजल की तरफ जाता है। तो ये एक लाइफ साइकिल होता है जिसको हम डिटेल से मैं डिस्कस करने की और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, जो कि सादा से और आसान से एग्जांपल्स के साथ, ताकि आपको जो लाइफ साइकिल ऑफ एसेट्स है उसके बारे में बेहतर तरीके से रहनुमाई मिल सके। पहली स्टेज जैसे कि प्लानिंग आती है, प्लानिंग किसी भी चीज़ को प्लान करना ज़रूरी होता है। कोई भी अगर आपने नया एसेट्स की तरफ जाना है, कुछ चीज़ परचेज करनी है, कोई रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिक काम के लिए, तो डेफिनेटली यू नीड टू प्लान फर्स्ट। प्लानिंग में आपकी तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, जिसमें उसकी कॉस्टिंग के हवाले से भी है, उसके बजटिंग के हवाले से भी हो सकता है, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी जो नीड है उसके ऊपर भी फोकस किया जाता है कि इसकी ज़रूरत क्यों है। तमाम चीज़ें जो है वो फर्स्ट स्टेज में डिस्कस की जाती है, इसे हम प्लानिंग की स्टेज कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करता है आइडेंटिफाइंग द नीड फॉर एन एसेट्स, द प्रोसेस देन कंटिन्यू थ्रू आउट द एसेट्स यूजफुल लाइफ बिफोर इट इज़ कंसिडर्ड टू द फुली डिप्रिसिएटेड एसेट्स एज डिस्पोज ऑफ, रिसाइकल्ड आर रिप्लेस्ड वंस। एसेट्स को डिस्पोज ऑफ भी किया जा सकता है या किसी दूसरे नए एसेट्स के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। एक मशीन है, उसकी लाइफ साइकिल अगर पूरा हो चुका हुआ है तो डेफिनेटली उसको अगर कोई मेंटेनेंस की तरफ जाया जाता है, अगर मेंटेनेबल नहीं है तो उसको रिप्लेस किया जाता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है ये किसी भी एसेट्स का, इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस प्रोफेशनल ट्रेनिंग यू शुड बी द एबल टू एड्रेस द दीज 5 क्वेश्चंस। व्हाट इज द एसेट्स मैनेजमेंट, व्हाई डू एसेट्स मैनेजमेंट, एंड व्हाट डिलीवरेबल डू आई गेट, हाउ टू डू इट, हाउ डू आई मूव फॉरवर्ड। तो ये 5 चीज़ें हैं जो कि आप इस कंप्लीट जो के 11 एपिसोड्स हैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑफ एसेट्स मैनेजमेंट, उसके बाद आप क्लियरली इन चीज़ों के बारे में डिटेल से जो आंसर आपके पास आ जाएंगे। इमर्जिंग यूटिलाइजेशन बिजनेस कंडीशंस, जब ज़्यादा चीज़ें एडवांसमेंट नहीं थी, टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था, उस वक्त बहुत सारे प्रॉब्लम थे किसी भी बिजनेस के हवाले से। उसमें आपकी डिमांड फॉर द यूटिलिटी सर्विस थी, रिसोर्सेज की कमी थी, उसमें लेवलिंग और प्रोडक्शन जो है एफिशिएंसी में प्रॉब्लम थे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो काफ़ी एजड कह लें या वीक कह लें वो हो सकता था, तो जिसकी वजह से क्या था रिजल्ट जो था इंक्रीजिंगली एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट ऑप्शन। तो ये एक जो वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती गईं, बदलती गईं, नई टेक्नोलॉजीज आती गईं और डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर और डिफरेंट तरह के जो टूल्स मुतारफ़ करवाए गए मार्केट में, जिनसे क्या हुआ कि आपका टोटली जो है वो सेगमेंट जो है वो चेंज हो गया। बिजनेस जो है वो एक री इंजीनियरिंग एक बिजनेस में आ गई, बिजनेस इन्वायरमेंट में एक चेंजेस आ चुके हैं, एक प्रॉपर 360 डिग्री चेंजेस आ चुकी हैं इन तमाम जो टूल्स और नई टेक्नोलॉजीज और नए सॉफ्टवेयर के हवाले से। इससे क्या हुआ कि ट्रांजिशन फ्रॉम बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग टू मैनेजिंग एसेट्स, उसमें एक बेहतर रिफॉर्म आया। आप एसेट्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से मैक्सिमम एफिशिएंसी गेन कर सकते हैं, उसकी लाइफ जो है उसको एक्सटेंड करने के नए टूल्स जो है, नई नॉलेज जो है वो मुतारफ़ करवाए गए। ऑप्टिमाइजिंग मेंटेनेंस एंड रिन्यूअल,
उस पे ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ, डेवलपिंग एक्यूरेट लॉन्ग टर्म फंडिंग एंड स्ट्रेटजीज और सस्टेन लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, इसके ऊपर काफ़ी काम हुआ, जो के इसी जिसको एस ये तमाम चीज़ें जो हैं एसेट्स मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी हो, डेफिनेटली उसकी जो फाउंडेशन टू सस्टेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी वेरी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर और किसी भी प्रोडक्ट की फाउंडेशन के अंदर। कॉन्सिक्वेंस ऑफ एसेट्स फेलियर कैन बी सिवियर, किसी भी एसेट्स के फेलियर के जो कॉन्सिक्वेंस तो फेस करने पड़ सकते हैं बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा वो डेंजरस हो सकते हैं। उससे उन चीज़ों से बचने के लिए हमें प्रॉपर जो है जो फंडामेंटल्स हैं एसेट्स मैनेजमेंट के उनके ऊपर काम करना होता है, जिसमें इम्प्रूवमेंट जो कैसे आ सकती हैं आपकी डिसीजन मेकिंग थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द एसेट्स। डिसीजन मेकिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ एसेट्स में। इसमें आपकी प्लानिंग तो होती है, एक प्लानिंग के बाद आपकी एक्विजिशन ऑपरेशन मेंटेनेंस और रिन्यूअल, इसमें आपका रिजल्ट क्या होगा, लो कॉस्ट ऑफ द ओनरशिप, इसके अंदर एक कंप्लीट जो है इम्प्रूवमेंट जो बेहतर और बेटर रोल प्ले करती है। जी एक लाइफ साइकिल है, प्रोक्योरमेंट प्लानिंग, और प्लानिंग के बाद आपकी प्रोक्योरमेंट आता है, डिप्लॉय और डिस्कवर आता है, मेंटेन और मेंटेनेंस है, सपोर्ट है, और फिर आपकी रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल की तरफ जाता है। तो व्हाट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ द एसेटमेंट, ALCM कहते हैं। एसेट्स जो है आपका लाइफ साइकिल्स मैनेजमेंट की एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, ALCM, एसेट्स लाइफ साइकिल मैनेजमेंट इज द मेथड ऑफ द मैनेजिंग द एसेट्स इन ऑर्डर टू द मैक्सिमाइज देयर वैल्यू थ्रू ऑप्टिमाइज्ड प्लानिंग, एक्विजिशन, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड डिस्पोजल। थ्रू आउट द ईच स्टेज ऑर्गेनाइजेशन लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, एफिशेंसी, रिलायबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी विल रिड्यूसिंग द रिस्क एंड रिलेटेड कॉस्ट। ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट इन एसेट्स लाइफ साइकिल्स मैनेजमेंट बिकॉज इफेक्टिव एसेट्स मैनेजमेंट एक्सटेंड टू द एसेट्स वैल्यू बियॉन्ड इज द यूजफुल लाइफ। जितनी भी जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो इन चीज़ों को बेहतर समझती हैं वो एसेट्स लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी फोकस करती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग्स भी करवाती रहती हैं ऑन एंड ऑफ, और इसके ऊपर काफ़ी जो है रिसर्च और वर्किंग करती रहते हैं, जो कि एक बेहतर तरीके से आपकी जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलता है इन तमाम चीज़ों के ऊपर, जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो बेसिकली एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ओवरऑल द एफिशिएंसी ऑफ द किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। पहला जो स्टेज है वो प्लानिंग है, प्लानिंग में बेहतर तरीके से जो भी स्टेक होल्डर होते हैं वो तमाम लोग प्लानिंग करते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों है, इस एसेट्स की क्यों चाहिए, कब चाहिए, कितने देर में चाहिए, इसका लाइफ साइकिल क्या होगा, इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी और इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगी। तो ये प्लानिंग जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी एसेट की, जो एक लाइफ साइकिल की पहली स्टेज होती है। तो उसमें तमाम जो चीज़ें होती हैं जैसे मैंने अभी डिस्कस की हैं, तो वो चीज़ें सारी जो होती हैं वो ऑन पेपर रखी जाती हैं ताकि बेहतर तरीके से वो पता चल सके इसकी एक्चुअल ज़रूरत किस लेवल की है, अर्जेंसी किस लेवल की है, और ये कितना ही जो बेनिफिट ऐड कर सकती है आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या उस सिस्टम के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज एक्विजिशन आती है। एक्विजिशन में उसमें स्टेक होल्डर की इन्वॉल्वमेंट होती है, फाइनेंस के लोग उसमें शामिल होते हैं क्योंकि इसमें बजटिंग, कॉस्टिंग और ये सारी चीज़ें होती हैं, और इसको एक्वायर किया जाता है, प्रोक्योरमेंट के उसमें लोग होते हैं उनका उनको शामिल किया जाता है, ये भी स्टेक होल्डर हैं। तो ये तमाम लोग जो होते हैं इसमें शामिल होते हैं, उसको एक्विजिशन की जाती है, परचेजिंग की जाती है, उसकी टेस्टिंग, असेंबलिंग, सेटअप, टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर शामिल होती हैं। फिर उसको सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड कर दिया जाता है, डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो एसेट्स मैनेजमेंट में इस्तेमाल होते हैं, जैसे CMMS है, मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम होता है कंप्यूटराइज, और इसके अलावा EAM एक बेहतरीन एक वेरी फेमस सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरप्राइज एसेट्स मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। ये तमाम सॉफ्टवेयर में इसकी एंट्री कर दी जाती है, रजिस्टर कर दिया जाता है इसको, एसेट्स को उसकी जो इंटरवल्स हैं, जो उसके शेड्यूल्स हैं मेंटेनेंस से रिलेटेड, वो सारे उसमें पुट ऑन कर दिए जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें एक्विजिशन के ज़मरे में आती हैं। उसके बाद ऑपरेशन और मेंटेनेंस की एक तीसरा हिस्सा जो होता है साइकिल का वो आता है इसके अंदर।
जैसा कि आप जानते होंगे, किसी भी एसेट्स को बेहतर तरीके से मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए उसको प्रॉपर मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, उसकी कुरेक्टिव मेंटेनेंस है, उसकी कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, सारी मेंटेनेंस जो होती हैं वो उनको फुल फुल किया जाता है ताकि वो मैक्सिमम एफिशिएंसी और बेहतर आउटपुट दे सके आपको। तो उसके मेंटेनेंस करने के लिए प्रॉपर एक टीम होती है जो कि उसकी शेड्यूल मेंटेनेंस परफॉर्म करती रहती है। द ऑर्गेनाइजेशन विल नीड टू परफॉर्म द मल्टीपल टाइप्स ऑफ द एसेट्स मेंटेनेंस ओवर टाइम। मेंटेनेंस स्ट्रेटजीज डिफर फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन टू द नेक्स्ट और फ्रॉम ऑन एसेट टू द नेक्स्ट, दो दे टिपिकली फॉल इनटू वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। कुरेक्टिव मेंटेनेंस होती है OEM की रिकमेंडेशन के हिसाब से, जो भी मेंटेनेंस है प्रिवेंटिव होती है, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस और प्रिडक्टिव मेंटेनेंस, एक्सपर्टीज बेस्ड मेंटेनेंस भी कहलाती हैं बेसिकली आपकी। तो ये तमाम मेंटेनेंस जो है वो आपकी लाइफ को इंक्रीज करती है आपकी किसी भी एसेट्स को। डीकमीशनिंग और डिस्पोजल जो आखिरी जो एक लाइफ साइकिल का हिस्सा होता है, इसमें अगर कोई आपकी मशीन है, कोई प्लांट है, अगर अपना वो लाइफ साइकिल पूरा कर चुका हुआ है, तो एसेट्स का जो लाइफ साइकिल है वो एंड पे आप उसको डीकमीशन करके उसकी जगह जो है वो नया प्लांट आप एक्वायर करते हैं, बाय करते हैं, या आप उसको वेस्ट कर देते हैं, या अगर वो मेंटेनेंस के काबिल नहीं है। कोई भी आपका ये प्लांट हो सकता है, कोई भी मशीन हो सकती है, क्योंकि हर मशीन की एक लाइफ होती है। उसको मेंटेनेंस करने के बावजूद भी उसकी जो मेंटेनेंस का एक पीरियड होता है, एक इंटरवल होता है, जैसे ओवरहॉलिंग है किसी मशीन की, ओवरहॉलिंग आप कितनी दफ़ा कर सकते हैं वो डिपेंडेड होता है, डिपेंड करता है आपकी उस मशीन के ऊपर। तो एक टाइम ऐसा आता है कि उसके ऊपर मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी ज़्यादा होने लग जाती है कि वो उतनी आपकी आउटपुट जो है वो नहीं दे पाती, वो एक लाइबिलिटी बन जाता है वो एसेट्स। तो उस एसेट्स को जब वो लाइबिलिटी बन जाता है तो फिर आप उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं या उसको रिटायर कर दिया जाता है वहाँ पे, फिर नया एसेट जो है वो बाय किया जाता है, फिर दोबारा से वो एक लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है। इसमें आप क्या बेसिकली एसेट्स को ये डिस्क्राइब क्या करती है, व्हाट एसेट्स मैनेजमेंट, व्हाई डू इट, क्यों ज़रूरत है इसकी, व्हाट डिलीवरेबल डू आई गेट फ्रॉम इट, इससे क्या लिया जा सकता है, व्हाट इज द स्टेप्स आर, हाउ डू आई मूव फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन फॉरवर्ड, व्हाट देन इज एसेट्स मैनेजमेंट, सिस्टमेटिक इंटीग्रेशन ऑफ एडवांस एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट टेक्निक्स इनटू द मैनेजमेंट पैराडाइम वे द वे ऑफ थिंकिंग, व्हाट द प्राइमरी फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म लाइफ साइकिल ऑफ द एसेट्स एंड सस्टेनेबल परफॉर्मेंस रैदर देन ऑन द शॉर्ट टर्म डे टू डे एस्पेक्ट्स ऑफ द एसेट्स। ये फ्रेमवर्क की अगर मैं बात करूँ तो डिफरेंट 8 व्यूज़ हैं जो एसेट्स मैनेजमेंट के हवाले से आते हैं। इसको मैं ब्रीफ करने की कोशिश करता हूँ, तो उसमें दिस व्यू मेकअप द फ्रेमवर्क, वो फ्रेमवर्क बताएंगे कि डिफरेंट 8 व्यूज़ क्या से हैं। इसमें आप पहला व्यू है जो डेफिनेशन ऑफ द एसेट्स मैनेजमेंट, इसमें डेफिनेशन के बारे में बात की जाती है। गुड प्रैक्टिसेस जो आपकी है, जो किसी भी एसेट्स को बेहतर तरीके से उसको मेंटेन रखना, उसको मैनेज करके रखना, मैनेजेबल जो प्रैक्टिस होती हैं आपकी, अप्लाइड ऑन द इंटायर पोर्टफोलियो ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स ऑल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सीकिंग टू द मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द ऑपरेटिंग मेंटेनिंग एंड रिन्यूइंग ऑफ द एसेट्स विद इन एन एनवायरमेंट ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज विल द कंटिन्यूस डिलीवरिंग द सर्विस लेवल कस्टमर डिजायर एंड रेगुलेटर रिक्वायर्ड एट एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ द रिस्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 2 व्यू जो है वो आपका लाइफ साइकिल बिजनेस प्रोसेस है। कोई भी बिजनेस प्रोसेस हो, उसका कोर प्रोसेस क्या होता है, आपका प्लान होता है एसेट्स का, उसके बाद एक्वायर करना है, ऑपरेट करना है, मेंटेन करना है, रिन्यू होता है या डिस्पोज होता है। तो ये तमाम चीज़ें आपकी जो व्यू 2 में आती हैं। व्यू 3 द कोर एसेट्स मैनेजमेंट प्रोग्राम एलिमेंट, तमाम चीज़ें आपकी इंफॉर्मेशन ऑफ सिस्टम उसका इम्पैक्ट आता है, डेटा नॉलेज होना चाहिए, लाइफ साइकिल प्रोसेस प्रैक्टिस का पता होना चाहिए उसी एसेट्स के बारे में, पीपल इश्यूज जो लोगों की उसके ऑपरेटर्स हैं, उसके दूसरे लोग जिसको मैनेज कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के कंसर्न शामिल होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज भी शामिल होते हैं जो प्रॉब्लम है। तो आम चीज़ें मिलकर आपके एक कंप्लीट एसेट्स मैनेजमेंट प्लान निकलता है
जो कि आगे आपकी सर्विस डिलीवरी देती है, जिससे आपकी सस्टेनेबल बेस्ट वैल्यू सर्विस डिलीवरी निकलती है। इन तमाम जो चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस किया है, इन तमाम चीज़ों को कंबाइन करने के बाद मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है। मैनेजमेंट के हवाले से क्या चीज़ें आती हैं, जो टॉप मैनेजमेंट होती है, एसेट्स मैनेजमेंट बिजनेस प्रोसेस है, उसके बाद आपकी एसेट्स मैनेजमेंट प्लान्स हैं, स्ट्रेटजीज इनिशिएटिव्स हैं, एनुअल बजट्स जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं उसी एसेट्स को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका कैपिटल बजट और आपका ऑपरेटिंग बजट, दो तरह के बजट निकलते हैं इस एसेट्स के हवाले से। फाइव कोर क्वेश्चन जो व्यू फाइव है, व्हाट इज़ द करंट स्टेटस ऑफ माई एसेट्स, वो इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ द सर्विस, LOS कहते हैं उसको। विच एसेट्स आर क्रिटिकल टू सस्टेन परफॉर्मेंस, वो पता होना ज़रूरी है। व्हाट इज़ माई बेस्ट O&M एंड CIP इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, एंड व्हाट इज़ द बेस्ट लॉन्ग टर्म फंडिंग स्ट्रेटजी। सिक्स व्यू में एसेट्स मैनेजमेंट प्लान के 10 स्टेप्स होते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप आप फर्स्ट टू 10 निकलता है आपका डेवलप एसेट रजिस्ट्री, आप उसको डेवलप करते हैं, इंटर करते हैं सॉफ्टवेयर में, अपने सिस्टम पे, आपकी एक्सेल की सेपरेट शीट में, या किसी भी तरह के एक रिकॉर्डेड जो भी आपका एक प्लेटफॉर्म है वहाँ पर रजिस्ट्री होती है, उसके इंट्री होती है। एसेट परफॉर्मेंस फेलियर मोड आप उसमें डालते हैं। डिटरमाइन द रिक्वायर्ड जो रेजिड्यू लाइफ है वो आप उसमें मैंशन करते हैं। डिटरमाइन लाइफ साइकिल ऑफ द रिप्लेसमेंट कॉस्ट वो पुट ऑन होती है। सेट द टारगेट लेवल ऑफ द सर्विस वो आता है। उसके बाद फिर डिटरमाइन द बिजनेस रिस्क क्रिटिकलिटी, ऑप्टोमाइज ऑफ O&M ऑपरेशनल मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट वो आती है, ऑप्टोमाइजेशन कैपिटल इन्वेस्टमेंट का है। फिर आपका डिटरमाइन द फंडिंग स्ट्रेटजी है, और आप द एक कंप्लीट एसेट मैनेजमेंट प्लान मिलकर निकलता है इन तमाम स्टेजेस के ऊपर। दैट इज कॉल्ड द एक स्टेप, पूरा प्रोसेस है 10 स्टेप द प्रोसेस ऑफ द एसेट्स मैनेजमेंट, ठीक है। ये मज़ीद डिटेल है उसी 10 स्टेप्स के ऊपर हवाले से, आप अपना जो प्लान उसको रिफाइन करते हैं। 7 प्रिंसिपल ऑफ द एसेट्स मैनेजमेंट, 7 प्रिंसिपल्स होते हैं एसेट्स मैनेजमेंट के, जो कि स्टैंडर्डाइज हैं। इसमें आपका द वैल्यू एडिड लेवल ऑफ द सर्विस प्रिंसिपल फर्स्ट वन, द लाइफ साइकिल प्रिंसिपल नंबर टू, द फेलियर द प्रिंसिपल नंबर थ्री, द फेलियर मोड प्रिंसिपल नंबर 5, 4 और द प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल, कॉन्सिक्वेंस प्रिंसिपल एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप प्रिंसिपल। ये 7 प्रिंसिपल हैं जो कि आपको मज़ीद एलेबोरेट करते हैं एसेट्स मैनेजमेंट को। 8 व्यू पे आपका एंटरप्राइज एसेट्स मैनेजमेंट प्लान, जिसमें एग्जेक्टिव समरी है आपका लेवल 1, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 में निकल कर आते हैं। आपके लेवल ऑफ सर्विस है, ग्रोथ ऑफ डिमांड है, स्टेट ऑफ द एसेट्स है। आगे ये चीज़ें आपकी लाइफ साइकिल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर आती हैं, जिनमें सेक्शन 4 इसमें O&M ऑपरेशन मेंटेनेंस रिन्यूअल करनी है उसकी, और आपकी ऑगमेंटेशन है। उसके बाद इससे निकलता है आपका रिस्क प्रोफाइल और मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है, और फाइनेंशियल प्लानिंग है, और फिर बिजनेस इम्प्रूवमेंट प्लान है। दीज आर ऑल द 8 सेक्शन टू द इंटरप्राइज एसेट्स मैनेजमेंट प्लान, जिसमें एक आपका EAM सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर आप ये सारी चीज़ें पुट डाउन करते हैं। इनसाइड एसेट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क अगर आप देखें, कंडीशन ऑफ द एसेट असेसमेंट और बिजनेस रिस्क एक्सप्लोजर लेवल 3 में आता है। 3 फंडामेंटल मैनेजमेंट डिसीजंस, व्हाट आर द माय वर्क क्रू डूइंग, वेयर आर दे डूइंग इट, what CIP project should be the done and when, and what should I repair, when should I rehabilitate and when should I replace, ये इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है, जिससे आपकी डेफिनेटली एक्सपर्टीज डज मैटर। आप उस स्पेसिफिक चीज़ के बारे में एक्सपर्टीज होना ज़रूरी है। दिस डिसीजन टिपिकली अकाउंट फॉर ओवर द 80% ऑफ द यूटिलिटी एनुअल एक्सपेंडिचर। अंडरस्टैंडिंग हाउ आवर एसेट्स फेल, अब एसेट्स क्यों फेल होता है उसके पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं। द प्रिंसिपल ऑफ यिन एंड यांग एक प्रिंसिपल है, वो ये बताता है कि हर उस चीज़, जो भी कोई आपकी चीज़ है, उसके अगेंस्ट एक अपोजिट फोर्सेस भी होती हैं, अपोजिट फोर्सेस भी काम कर रही थी, जिसके वजह से उसने फेल होना होता है, उसने लाइफ साइकिल अपना पूरा करना होता है। सो द प्रिंसिपल ऑफ द यिन एंड यांग इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट ऑल थिंग एग्जिस्ट इन द इन
इंस्पेरेबल एंड कंट्राडिक्टरी ऑपोजिट्स, कोई भी चीज़ होती है उसके अगेंस्ट फोर्सेस डेफिनेटली होती हैं, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस होती हैं जो कि उस चीज़ को फेल करने के लिए लगी रहती हैं, और एट द एंड वो चीज़ अपनी लाइफ पूरी करती है। स्ट्रेस और रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस, यानी ये अगर स्ट्रेस है तो एक स्ट्रेस एक रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस है, यानी एक उसके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस होगी। इसकी एग्जांपल अगर आप देखें, अंडरस्टैंडिंग हाउ द एसेट्स फेल, अगर मजीद देखें तो पाइप फेल, अगर मैं एक सिंपल पाइप की बात करता हूँ तो कौन कौन सी जो है उसके ऊपर रेजिस्टेंस है, कौन कौन सी स्ट्रेस है उन चीज़ों के ऊपर, फिजिकल लोड उसके ऊपर आ सकता है वो एक जिससे डैमेज हो सकता है, सॉयल करेक्टरिस्टिक है, ग्राउंड वाटर है उसका इम्पैक्ट है, गलवेनिक एक्शन है उस पर आ सकता है, पाइप एट्रीब्यूट है, बेंडिंग बेडिंग कंडीशन भी आ सकती है, इंटरनल कोरिजन ये भी आ सकती है। ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि आपको फेलियर का कारण बन सकते हैं। ये एग्जांपल दी गई है, ऐसे ही जितना भी एसेट्स होते हैं, जितनी भी मशीन्स होती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन्स, आपके जनरेटर हो सकते हैं, आपके ट्रांसफार्मर हो सकते हैं, आपके एक्सीवेटर हो सकते हैं, एलिवेटर हो सकते हैं, और कोई भी मशीन कंप्रेसर हो सकते हैं, उन तमाम के ऊपर भी एक ऐसी फोर्सेज ही होती हैं जो कि उसकी लाइफ को रिड्यूस करने में लगी रहती हैं, जिसकी वजह से आपको बेहतर समझ सकते हैं कि एसेट्स आपका क्यों और कैसे फेल हो सकता है, या एसेट्स डिटेरेशन जो होती है एसेट्स की, आपकी इस कर्व से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। परफॉर्मेंस और टाइम की कर्व होती है कि आपकी जितना ज़्यादा परफॉर्मेंस, आपकी टाइम जो है वो परफॉर्मेंस, ये नीचे देखें पुअर परफॉर्मेंस यहाँ से, और एक्सीलेंस आपकी ये कर्व यहाँ से शुरू होगी, टाइम के साथ साथ ये आपकी कर्व नीचे आती जाती है। मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस द की ऑफ रिलायबिलिटी, इसमें आप देखेंगे डिफरेंट तरह के जो इश्यूज हैं, हीट है, फेलियर है, एंड पे आपका फेलियर हो जाएगा यहाँ पर आपका। तो टाइम और परफॉर्मेंस के साथ साथ ये वक्त के साथ जो चीज़ें आपकी जो इम्पैक्ट आता है जो आपकी फेलियर का, वो इस कर्व के साथ आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग हाउ आवर एसेट्स फेल, फ्रॉम साइंस ऑफ फेलियर टूल प्रोएक्टिव मैनेजमेंट। फेलियर डिफरेंट तरह के जितने भी फेलियर होते हैं उसको आसान जो वेरीफाई करना हो उसको, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टूल्स होते हैं जिसको बेहतर तरीके से हम फेलियर की जो काज होती हैं, जो वजूहत होती हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है रूट काज एनालिसिस होता है, फेलियर मोड अफेक्ट एंड क्रिटिकल एनालिसिस होता है, FMEC इसको कहते हैं। ये कि प्योर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी इसके स्पेसिफिक टूल्स भी होते हैं जिससे हम ये एनालिसिस करते हैं। कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग फेलियर कर्व होती है, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में भी चीज़ें आ जाती हैं सामने। ये तो ये तमाम जो एनालिसिस होते हैं, इससे बेहतर तरीके से हमें अपने जो फेलियर के बारे में पता चल सकता है कि एसेट्स क्यों फेल हुआ है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, रीज़न जानना, काज जानना, वजह जानना बहुत ज़रूरी है ताकि जो नेक्स्ट आपका एसेट्स है उसको बेहतर तरीके से आप सिक्योर कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट टूल किट में क्या है, ओवर इन्वेस्टमेंट टूल किट क्या होती है कि आपकी जो बेसिकली मेंटेनेंस है, रिन्यूअल है, मेजर रिपेयर है, आपका रिफर्बिश है, विदाउट इन्हांसमेंट है या विद इन्हांसमेंट है, ये सारी चीज़ें आपकी एक टूल की ठहती है जिसके ऊपर थोड़ा सा एक्सपेंस आता है, इन्वेस्टमेंट होती है, जिससे आप अपने एसेट्स को बेहतर तरीके से जो है सिक्योर कर सकते हैं। फेलियर मोड बेस्ड मैनेजमेंट लॉजिक में बताया तो फेलियर्स आपके आते हैं जिसमें आपके डिफरेंट तरह के आर्क सिग्निफिकेंट है, आर नॉट सिग्निफिकेंट है, दो तरह के ऑप्शन हो सकती हैं, दोनों में आपकी अगर सिग्निफिकेंट है तो ये होगी, अगर नॉन सिग्निफिकेंट है तो ये होगी। इस आपसे डायग्राम से, आप इसके ब्लॉक डायग्राम से आपको बेहतर तरीके से पता चल जाएगा। इसके बाद आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेलियर हैं, ये आप क्वाड्रेंट में आपको पता चल जाएगा, आपकी हाई प्रोबेबिलिटी लो सी कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, और आपकी हाई प्रोबेबिलिटी और हाई कॉन्सिक्वेंस होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, और आपके थर्ड क्वाड्रेंट में लो प्रोबेबिलिटी और लो कॉन्सिक्वेंस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका लो प्रोबेबिलिटी और हाई कॉन्सिक्वेंस होते हैं। इस तरीके से आपके लो टू हाई और हाई टू लो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ओरिएंटेड स्ट्रक्चर एसेट्स मैनेजमेंट में आप देखें कस्टमर सर्विस डिमांड क्या है, उसके बाद सस्टेन्ड परफॉर्मेंस क्या है, एग्जेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो आपकी जो है वो किस तरीके से आपके दे रहे हैं, एसेट मैनेजमेंट थिंकिंग द AM स्टीयरिंग कमेटी
उसमें आपकी क्या AM टूल में आपकी IT है, फाइनेंस है, इंजीनियरिंग है, ऑपरेशंस है, मेंटेनेंस, ये तमाम चीज़ें जो आपके एसेट मैनेजमेंट के टूल्स में आते हैं, ये सब स्टेक होल्डर्स हैं जो उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं। फ्रॉम द एसेट्स जो अगर इसमें आते हैं, मेकिंग बिजनेस केस ऑफ एसेट्स मैनेजमेंट, इसमें आपके एसेट्स मैनेजमेंट इम्प्रूवमेंट प्लानिंग जो है वो अगर आप प्रॉपर करते रहें तो आपकी ये ग्रीन कर्व जो है वो आपको बेहतर जो है एनुअल कॉस्ट जो है वो आपको मिलती है अगर आप अपनी एसेट्स मैनेजमेंट इम्प्रूवमेंट प्लानिंग के साथ चलते हैं। विदाउट प्लानिंग में आपकी ये रेड वाली जो कर्व है ये आपकी विदाउट प्लानिंग के साथ है। AM एसेट्स मैनेजमेंट पे ऑफ रिड्यूस द लाइफ साइकिल ऑफ कॉस्ट फ्रॉम बेटर फोकस्ड और बेटर वैल्यू पर डॉलर स्पेंडिंग और कॉन्फिडेंस इन डिसीजन मेकिंग, ये आप पे ऑफ है एसेट्स मैनेजमेंट का। तो ये एक सेकंड एपिसोड थी एसेट्स मैनेजमेंट के हवाले से। ये एक सेपरेट शीट है जिसमें हम अपने एसेट्स को रजिस्टर करते हैं। आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन एक्सेल में आप अक्सर, क्योंकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सॉफ्टवेयर मिल जाता है, इसमें आप बेहतर प्लानिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा एडवांस लेवल पर जाना चाहते हैं तो आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी हैं, वो आपको आगे वाले आने वाली एपिसोड में मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में भी बताऊँगा कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हम एसेट्स को मैनेज करते हैं और रजिस्टर करते हैं। तो ये जो स्टेप थे बेसिकली आपके एसेट मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग की जो कैपेसिटी है, जो आपके इस तरह ब्लॉक डायग्राम में आप देखें, ये स्टेप्स हैं बेसिकली जो आपको 5 कोर क्वेश्चन विद द 10 स्टेप प्रोसेस कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें डेवलप एसेट रजिस्ट्री, जैसे ये मैंने शुरू में बताया था, ये वही स्टेप्स हैं। इसमें आपको एसेट परफॉर्मेंस फेलियर मोड है, फिर डिटरमाइन द रेजिड्यूल लाइफ है, डिटरमाइन द लाइफ साइकिल है। उसके बाद आता होगा ये आपका जो डिसीजन मेकिंग वाला, जो आपके नंबर जो 7, 8, 9, 10 पे आपका बोल्ड है AMF जो एसेट्स मैनेजमेंट प्लान आपका निकल करके आता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली जो एपिसोड्स के अंदर स्टेप बाय स्टेप। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।